हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्लास 12th से है, ध्यान रखिएगा। तो क्लास 12th लिख देता हूँ यहाँ पर। प्रीवियस किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है, और इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में है तो ये डिफरेंशिएशन का, बट इस टाइप के क्वेश्चंस में अलजेब्रा का इस्तेमाल भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर अलजेब्रा की प्रैक्टिस नहीं की है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की प्रैक्टिस नहीं की है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, रूट में दिया है, फाइंड करना है डीवाई ओवर डीएक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, राइट। तो पर सम टाइम अगर आप चाहें तो रूट को ना भी लिखें, जस्ट देखने में थोड़ा इजी लगेगा। 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, मैंने यहां जानबूझकर रूट लगाया नहीं है, लास्ट में लगा दूंगा। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा इजी फॉर्म में ले आते हैं। एलजेब्रा में जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया हुआ है, वैसे ही 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे आते हैं, ये ऊपर वाला एज इट इज छोड़ दीजिए अभी, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला याद नहीं है तो देख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सेम वही चीज़ है यहाँ पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स। रूट जैसा मैंने कहा था, मैंने जानबूझ के रखा नहीं था, सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाता है, वापस रूट लगा देते हैं। तो वाई इक्वल्स टू, ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, रूट से बाहर आएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। ध्यान रखिए, इसमें करना ये होता है, सबसे पहले इसको बिल्कुल ब्रेक करते करते ऐसे फॉर्मेट में ले आइए कि उसके आगे वो ब्रेक नहीं हो सकता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। तो वाई इक्वल्स टू 1 ओवर साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स हो जाएगा, कॉसेक्स ओवर साइन एक्स कॉट एक्स, बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां आता है आपका डिफरेंशिएशन। तो कॉस एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस कॉस एक्स एक्स कॉट एक्स, और माइनस ऐसे रखेंगे, कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉसेक स्क्वेयर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस, ये सॉरी ये माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये जो है कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल ही माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, वही मैंने सेम जो डिफरेंशियल होता है एज इट इज वही वैल्यू ले ली है। तो इसका आंसर आएगा डीवाई ओवर डीएक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखे चल के, दूसरा क्वेश्चन दिया है, वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल साइन एक्स स्क्वायर, फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल की पावर, सपोज ई टू द पावर एक्स क्या होता है, इसका होता है ई टू द पावर एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अच्छा, यह साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसमें चेन रूल अप्लाई हो जाएगा,
तो ऐसे करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, पहले पूरा पूरा ले लेंगे तो ये हो जाएगा ई साइन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब साइन एक्स स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बचा, पहले एक्सपोनेंशियल के साथ तीनों को लिया, फिर साइन के साथ जो आगे का टर्म था वो ले लिया, अब लास्ट टर्म बचा एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x। तो चाहे तो 2x को पीछे ले आए यहां पर, तो इसका dy ओवर dx होगा 2x एक्सपोनेंशियल साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। आप लोग के लिए याद के लिए मैं लिख भी देता हूं, दिस इज चेन रूल। आप लोगों को डिफरेंशियल में सबसे ज्यादा इसी रूल की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा चेन रूल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखें, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है ए साइन क्यू टी, फंक्शन ऑफ वाई दिया हुआ है ए कॉस क्यू टी, फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, यहां पर x है, यहां पर t है, मतलब वी हैव टू डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t, यहां पर वी हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। तो पहले लेते हैं, सीधा लिख देते हैं पहले क्वेश्चन एज इट इज, x इक्वल्स टू a साइन क्यू टी, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a साइन t क्यू, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें डिफरेंशिएट करना है तो कैसे लिखेंगे, डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू डी ओवर डी टी, दोनों साइड डिफरेंशिएट लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ब्रैकेट में ए साइन टी होल क्यूब, ऐसे होगा, ए कांस्टेंट है, पीछे ले लेते हैं एज इट इज बाहर, डी ओवर डी टी, ए बाहर ले लिया, ये हो जाएगा साइन टी होल क्यूब। अब डिफरेंशियल शुरू करते हैं ए, तो पहले चेन रूल के हिसाब से सबसे पहले साइन टी होल क्यूब सॉल्व करेंगे, तो थ्री इधर आ गया और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, थ्री माइनस वन साइन स्क्वायर टी इन टू, अब साइन टी बचा, साइन टी को सॉल्व करेंगे हो जाएगा कॉस टी, अब लास्ट बचा टी, टी को सॉल्व करेंगे, टी का डिफरेंशियल होता है वन, कांस्टेंट टर्म है, वन हो गया, तो ये हो गया मेरा थ्री ए साइन स्क्वायर टी कॉस टी। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन एज इट इज लिख लेते हैं पहले, इक्वेशन दिया हुआ है वाई इक्वल्स टू ए कॉस क्यू टी, सॉल्यूशन का प्रोसेस सेम रहेगा, डी वाई ओपन डी टी इक्वल्स टू डी ओवर डी टी ए, एक कॉस क्यू टी लिखा, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेम वही जैसे साइन में किया था, कॉस टी का होल क्यूब, ठीक है, ए कॉन्स्टेंट हमें बाहर आ जाएगा, ये ए हो गया डी ओवर डी टी कॉस टी का होल क्यूब। अब शुरू करते हैं डिफरेंशियल, ए एज इट इज रहेगा, कॉस होल क्यूब दिया, कॉस टी का होल क्यूब दिया हुआ है, जो थ्री इधर आ गया पीछे इंटू थ्री, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी इंटू, अब कॉस टी को करेंगे तो ये होता है माइनस साइन टी, टी का हो जाएगा वन, तो इसका आ गया माइनस
थ्री ए कॉस स्क्वेयर टी इंटू साइन टी। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर टू की तरह, और जो पहले आया था इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर वन की तरह। नाउ पे अटेंशन, इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ है डीवाई ओवर डी एक्स, डीवाई ओवर डी एक्स, वाई ओवर एक्स। यहां हमने क्या किया था, वी डिफरेंशिएटेड वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, यहां हमने डिफरेंशिएट किया एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी। मतलब डीवाई ओवर डी एक्स का मतलब यहां होगा इक्वेशन नंबर टू विल बी डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर वन, मीन्स डीवाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी। ये हो जाएगा माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर टी साइन टी ओवर, ये वाला ले लेंगे थ्री ए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अच्छा, तो थ्री ए से थ्री ए गया, यहां साइन टी है साइन स्क्वायर टी है, तो एक साइन टी बच जाएगा यहां, और यहां से कैंसिल करेंगे यहां कॉस टी बच जाएगा एक, तो ये हो गया नेगेटिव कॉस टी ओवर साइन टी, कॉस ओवर साइन इज कॉट, ये होगा माइनस कॉट टी। दैट्स द आंसर हियर। तो डीवाई ओवर डीएक्स विल बी माइनस कॉट टी।